Hello children, welcome again to Swastik Academy online classes. Myself, Bhavati Pandey, your social science teacher. Today I will explain you chapter 5 of standard 10. The name of the chapter is India's Heritage of Science and Technology. I will explain you a few points in the part 1, like Heritage of Ancient India in the field of science and technology, metallurgy, then chemistry, science of medicine and surgery, Maharshi Charak, Maharshi Sushruta and Maharshi Vagbhat. I will explain you. So just listen carefully. जैसे कि चैप्टर का नाम है इंडिया हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जो हमारी विरासत है हमें साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिली है उसके बारे में हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे. द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर. बच्चों क्या था कि जितनी भी डिस्कवरीज हुई इन्वेंशन हुए वर्ल्ड वाइड रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक देश दूसरे देश के समीप आ गया. Cooperation among all the nations has increased, hence new attitude has developed. Countries have become oriented towards peaceful coexistence and world peace. तो cooperation एक दूसरे के साथ किया जा रहा है, cooperate करने लगे एक देश दूसरे देश के साथ आपस में. उन लोगों में जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा तो थी वो तो हमेशा ही रही है, लेकिन जो वॉर हुआ करती थी वो comparatively किसमें चेंज हो गई, वर्ल्ड पीस और कोएग्जिस्टेंस रिलेटेड टू पीसफुल एटमॉस्फेयर. सो साइंस में सिस्टमेटिक नॉलेज, क्या मतलब है साइंस का, सिस्टमेटिक नॉलेज. एंड टेक्नोलॉजी में इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज. और साथ ही साथ जो हमारा टेक्नोलॉजी उसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए जिससे कि हम सिस्टमेटिक वे में उसको यूज कर सकें. साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड्स दे आर लिंक टू ईच अदर. और इस तरह से एक दूसरे से लिंक है, लेकिन कुछ इनमें जो डिफरेंट है हम उनको आपको क्लियरिफाई करेंगे. हेरिटेज ऑफ एंशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जो हमारी विरासत है हमारी एंशियंट टाइम से जो किस फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको हम आपको यहाँ पॉइंट वाइज समझाएंगे. द ग्रेट सेजेस ऑफ आवर एंशियंट इंडिया हैव गिफ्टेड इन वैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ साइंस टू द वर्ल्ड. जो हमारे पुराने समय के महान साधु संत थे उन्होंने जो हमें एक तरीके से दिया है गिफ्ट, किस चीज़ का, साइंस का वर्ल्ड वाइड को जिसकी कोई भी तुलना नहीं है. दे हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेटलॉजी. उन्होंने मेटलॉजी में भी काफ़ी कुछ खोज की और उसको डिस्कवरीज में कन्वर्ट किया. केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स, ये सारी चीज़ें हमारे आज भी बहुत ही एंशियंट टाइम से भारत में हमारे बड़े बड़े साधु संतों को उसका ज्ञान था. इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस. ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है. इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड नॉट ओनली द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, एजुकेशन एंड फिलोसफी, बट ऑल्सो इट हैज मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हमारे भारत में केवल लिटरेचर, आर्ट और रिलीजन, एजुकेशन या फिलोसफी ही नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे रहा है भारत. मॉडर्न एज रिसर्चेज हैव प्रूव दैट इंडिया हैज साइंटिफिक एटीट्यूड अलोंग विद रिलीजियस आउटलुक. ये पहले से ही जो एंशियंट टाइम में हमारे भारत देश ने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की थी, तो मॉडर्न एज में भी रिसर्च ने प्रूव कर दिया कि भारत का एक अलग ही स्थान है किससे रिलेट करने के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी. और साथ में किसके साथ क्या है उसमें रिलीजियस आउटलुक भी है. मेटलॉजी, सिंस एंशियंट एज द पीपल ऑफ इंडिया यूज मेटलॉजी इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ. पहले के समय में लोग जो मेटल्स थे उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते थे. एंशियंट इंडिया मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलॉजी. पुराने समय में जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें मेटलॉजी में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस की गई थी. अ मेटेलिक आइडल ऑफ अ फीमेल डांसर डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन इन एन एग्जाम्पलरी अचीवमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया. जो एक फीमेल डांसर का एक मिला है हमारे यहाँ मेटेलिक आइडल इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एक एग्जाम्पल है कि उस टाइम क्या जबरदस्त अचीवमेंट क्या था रिलेटेड मेटलॉजी. लेटर स्टैचू ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुशान पीरियड हैव बीन फाउंड एट तक्षशिला. हाँ मिला है तक्षशिला में, किसका, लॉर्ड बुद्धा का.
In South India, during the Chola period, numerous metal idols were made. और चोलास के टाइम पे साउथ में बहुत सारे मेटल के आइडियल्स बनाए गए थे. द स्टैचू ऑफ नटराजा मास्टर पीस एंड स्कल्पचर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसी तरह से जो स्टैचू था नटराज का वो एक मास्टर पीस है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको काफ़ी प्रसिद्धि मिली है. इट इज प्रिजर्व इन द म्यूजियम ऑफ एट चेन्नई. सो कहाँ पे सहेज के रखा गया है? चेन्नई के म्यूजियम में. अनदर वेल नोन मेटल आइडल राम द आर्कन कैन बी सीन इन द म्यूजियम. आर्टिस्टिक आइडल ऑफ गॉड गॉडेस बॉड्स एंड एनिमल्स एंड बिटल नट कटर्स आर कंसिडर्ड टू द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटलिक आर्ट. ऑल ऑफ देम हैव इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. दूसरे जो भगवान राम का धनुषधारी के रूप में जो प्रिजर्व किया गया है उनका आइडियल म्यूजियम में रखा गया, और कई देवी देवताओं की बर्ड्स की पक्षियों की यानी कि जानवरों की जो भी आइडल्स को प्रिजर्व करके रखा है. साथ ही साथ बिटल नट कट रहे, सुपारी काट के मालद कट रहे, सारी चीज़ें उस टाइम की बेस्ट एग्जाम्पल है मेटलर्जी से रिलेटेड. नाउ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस. दिस साइंस इज वेरी यूजफुल फॉर वेरियस मिनरल्स प्लांट सीड्स फॉर एग्रीकल्चर मेकिंग ऑफ वेरियस मेटल्स और टू ब्रिंग चेंजेस इन देम. बच्चों केमिस्ट्री एक तरह से एक्सपेरिमेंटल साइंस माना जाता है क्योंकि ये साइंस बहुत ही यूजफुल है अलग अलग मिनरल्स प्लांट सीड्स और जो कि एग्रीकल्चर के लिए रिलेट करते हैं, और ये अलग अलग तरह के मेटल्स जो है इसमें चेंजेस लाते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग मेडिसिन. और केमिस्ट्री के द्वारा ही हम कई मेडिसिन को बनाते हैं. आचार्य नागार्जुन अ लर्न बुद्धिस्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इज नोन एज आचार्य इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. जो आचार्य नागार्जुन थे उनको एक माना जाता है कि वो लर्न बुद्धिस्ट थे. कौन सी यूनिवर्सिटी के? नालंदा यूनिवर्सिटी के. और उन्होंने जो केमिस्ट्री फील्ड में काफ़ी कुछ उन्होंने नए नए जो भी रिसर्च की उसके लिए वो फेमस है. ही हैड रिटन बुक्स लाइक रास रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी. आचार्य नागार्जुन एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी अलॉन्ग विद हर्बल मेडिसिन. वो एलोपैथी के साथ और हर्बल मेडिसिन के साथ साथ जो था इलाज क्या करते थे. इट इज बिलीव दैट द यूज ऑफ मर्क्यूरी ऐश एज अ मेडिसिन वॉज इनिशिएटेड बाय हिम. कि जो मर्क्यूरी का कि जो ऐश है उसका जो यूज़ किया गया सबसे पहले उनके द्वारा ही किया गया था. नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री. नालंदा यूनिवर्सिटी का इसका अपना पर्सनल स्कूल है रिलेटेड टू केमिस्ट्री. एंड फर्नेस फॉर स्टडी एंड रिसर्च. और फर्नेस इसके लिए अध्ययन करने के लिए वहाँ पर काफ़ी उसको फेमस माना जाता है. द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन रासा उपरासा 10 टाइप्स ऑफ पॉइजन एज वेल एज वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड ऐश ऑफ मिनरल्स इज सीन इन द केमिस्ट्री. ये सारी चीज़ें इस केमिस्ट्री से रिलेटेड देखी जाती हैं. द कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्ध रिफ्लेक्ट एन एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. कॉपर स्टैचू किसका? बुद्धा का, जो है कि रिफ्लेक्ट करता है एक्सपर्ट नॉलेज और स्किल रिलेटेड करती है जो कि हमारी केमिस्ट्री से. द कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा डिस्कवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज 7.5 feet हाइट एंड वेट 1 ton. उसकी 7.5 feet हाइट है और 1 ton उसका वेट है. स्टैचू ऑफ बुद्धा एट नालंदा इज 18 feet है और नालंदा में इसकी हाइट कितनी है? 18 feet. तो इस तरह से बच्चों अलग अलग जैसे विजय स्तंभ 24 feet हाई आयर पिलर विच वेट 7 tons बिल्ट बाय चंद्रगुप्ता 2. ये भी काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड. स्पाइट ऑफ नेचर्स फ्यूरी ओवर सेंचुरीज द पिलर हैज नॉट येट कोरोडेड. अभी तक उसमें जंग नहीं लगा गया है इतने सालों के बावजूद भी. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एल्केमिकल लॉ ऑफ इंडिया. यानी केमिस्ट्री के बेस्ट एग्जाम्पल है भारत. साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी. बच्चों जो हमारा मेडिकल साइंस है आज सर्जरीज की जाती है पर वर्ल्ड वाइड ये अभी सब जितनी इन्वेंशन हुई है मॉडर्न एज में वो हमारे एंशियंट टाइम में हो चुकी थी. इंडिया टेन एंड अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी. क्योंकि जो हमारे भारत की जो अचीवमेंट है रिलेट करती है मेडिसिन और सर्जरी की उसकी कोई भी बराबरी नहीं है. सिंस एंशियंट पीरियड महर्षि चरक महर्षि सुश्रुत एंड वाग्भट पायोनियर इन इंडियन मेडिसिन साइंस एंड सर्जरी थ्रू देयर इंटेंस रिसर्चेज एंड रीच टू द ग्रेटेस्ट हाइट.
और ये जो तीनों हमारे महर्षि चरक थे, महर्षि सुश्रुत थे और वाग्भट थे, ये भारत का में इन्होंने साइंस और सर्जरी से जो मेडिकल साइंस और सर्जरी में इनका जो योगदान है उस तक पहुंचने में अभी सबको बहुत ही टाइम लगेगा। महर्षि चरक हैज रिटन अ बुक चरक संहिता इन विच ही हैज मेंशनड ओवर 2000 मेडिसिनल हर्ब्स, जिसमें उन्होंने 2000 मेडिसिनल हर्ब्स को डिस्क्राइब किया है। और महर्षि सुश्रुत हैज मेंशन इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन सर्जरी, और जो महर्षि सुश्रुत थे उन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्राइब किया जो कि सर्जरी में यूज होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट वाज सो शार्प दैट दे वुड स्प्लिट अ सिंगल वर्टिकल हेयर इन टू डिवीजन, और इतने शार्प होते थे कि वर्टिकल हेयर को बाल को दो टुकड़ों में विभाजित कर सकते थे। तो सोचिए आप कितनी ज़्यादा उनकी जो टेक्नोलॉजी थी एडवांस थी उस समय में। वाग्भट हैड रिटन अ बुक, वाग्भट संहिता इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, स्टडी ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट संहिता इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता या वाग्भट संहिता हो, बहुत ही यूजफुल है। एंड प्रेजेंट भी इनको बहुत ज़्यादा यूज में लाया जाता है इनकी स्टडीज को। हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एंशियंट टाइम इज एनरिच्ड विद ह्यूज कलेक्शन, जो हिंदूज का हर्बल साइंस था पुराने समय से ही उसका कलेक्शन अबंडेंट था। इस पे मिनरल्स और मेडिसिन लिए जाते थे फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स से। दिस हैज प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर यूजेस, इसके बारे में डिटेल मेडिसिन का कैसे यूज किया जाता है, कैसे उन्हें क्लासीफाई किया गया है, पूरा डिटेल इसमें दी गई है। दे कुड इवन स्टॉप ब्लड सर्कुलेशन विद बाउल शेप बैंडेज, बाउल शेप बैंडेज से जो ब्लड सर्कुलेशन था उसको भी रोकने की उनमें पूरी तरह से नॉलेज थी। दे कुड स्किलफुली ऑपरेट ऑन एब्डोमेन, किडनी, कैटरेक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स एंड ब्लैडर एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों का भी ऑपरेट किया जाता था उस समय में। बोले दे कुड क्लासीफाई ऑल्सो ज्वाइन द ब्रोकन और डिस्प्लेस बोन एंड एक्सट्रैक्ट द थिंग्स पेस्ट इन टू द बॉडी इजिली एंड स्किलफुली, रिकग्नाइज सिम्टम्स एंड डायग्नोज द डिजीज। वो इन सारी कई चीज़ों में जैसे कि चाहे हड्डी टूट जाए, कोई और परेशानी हो जाए, तो उसमें भी इजीली वो लोकेट कर देते थे, साथ ही साथ रिकग्नाइज कर लेते थे छोटी छोटी जो पियर्स करके बॉडी में, और उससे उन्हें पता चल जाता था कि किस बीमारी का सिम्टम है। दे ऑल्सो गेव डाइटरी डायरेक्शंस आफ्टर पोस्ट रिकवरी ऑफ डिजीजेस, वो जो डाइटिशियन आज काम करते वही डाइट की डायरेक्शन वो देते थे कोई भी डिजीज की रिकवरी के बाद की, क्या खाना चाहिए, क्या किसको करने से आप किस तरह की डाइट को खाने से आप फुली रिकवर हो सकते हैं। दे हैड नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एज वेल ज्वाइनिंग नोज एंड ईयर्स, प्लास्टिक सर्जरी उनकी काफ़ी उस टाइम भी फेमस थी, नाक और कान से रिलेटेड कर भी एज वेल एज ज्वाइनिंग द ईयर एंड नोज। दे शोड अ कीन इंटरेस्ट इन टीचिंग स्टूडेंट्स द मेथड ऑफ सर्जरी बाय डूइंग सर्जरी ऑन द डेड बॉडी और ऑन द वैक्स स्टैचू, वो स्टूडेंट्स को सर्जरी सिखाते थे डेड बॉडी में, जैसे आज भी मॉल में पड़ी हुई डेड बॉडी में सिखाया जाता है, या वैक्स स्टैचू पर किस तरह से सर्जरी वो लोग कर पाएंगे फ्यूचर में। दे कंडक्टेड रिस्की ऑपरेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, और डिलीवरी के टाइम पर भी वो ऑपरेशन किया करते थे। दे वर एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट एंड पेडिटिशियन, वो काफ़ी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट और पेडिटिशियन थे, यानी कि जो बच्चे जिस टाइम जन्म लेते हैं उनके डॉक्टर और बच्चों के बाद के डॉक्टर। वेटरनरी साइंस ऑल्सो डेवलप इन एंशियंट इंडिया, जानवर से रिलेटेड साइंस भी काफ़ी डेवलप थी। दे रोड बुक्स ऑन डिजीज रिलेटेड टू द हॉर्स, यानी कि घोड़ा, एलिफेंट जिसको हस्ती कहते थे, हॉर्स को अश्वा, इनसे रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी साइंस को डिस्कवर किया था। इसमें से हस्ती, आयुर्वेदा एंड शरीरोत्रा एंड अश्वशास्त्र आर वेल नोन, ये दोनों काफ़ी फेमस हैं। द स्कॉलर साइंस राइटर ऑफ मेडिसिन वाग्भट्टा मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन थ्रू हिज वर्क अष्टांग हृदय इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस। तो इस तरह से बच्चों इतनी सारी उन लोगों का नॉलेज से रिलेटेड टू मेडिकेशन एंड सर्जरी, जो कि आज के समय में भी हम क्या वर्ल्ड वाइड इस बात पे सोचा जाता है कि कितने ब्रिलियंट हमारे सेजेस थे जिन्होंने इन सबका रिसर्च किया, इन्वेंशन किया और लोगों पे लोगों को ठीक किया।
तो पार्ट वन में मैंने आपको यहीं तक समझाना था कि किस तरह से आईटीज ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलॉजी, केमिस्ट्री एंड साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी से रिलेटेड हमारे जो भी महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और वाग्भट थे उनके बारे में हमने आपको समझाया, उनसे रिलेटेड बुक्स, उनकी जो इन्वेंशन थे वो आपने अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में मैथमेटिक्स, अदर साइंस में आपको समझाऊंगी, उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र के साथ हम पार्ट टू को फिनिश करेंगे। थैंक यू।